भाग्य से मासिक धर्म संबंधी स्वास्थ्य कई मिथकों से घिरा है। पुरुषों और महिलाओं दोनों को इस विषय में शिक्षित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अधिकांशतः प्लास्टिक और केमिकल से बने वर्तमान पैड्स का प्रयोग पर्यावरण के लिए खतरनाक है। हमें स्वास्थ्य एवं पर्यावरण में से किसी एक को चुनने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ केला मिलेगा मुझे? केला? हाँ भैया। लोकेश के कारनामों ने सब बर्बाद कर दिया। अब हमारी छुटकी से कौन ब्याह करेगा? तुम्हारे बाबूजी से बताए थे। तुम यहीं रुक, हम अभी आते हैं। यहीं रुकना। विक्की जी, ये क्या बात कर रहे हैं आप? हैं? अरे भाई, हम भी किसान हैं, हम भी केला का खेती करते हैं, और हम भी ऐसा काम के लिए अपना केला नहीं देंगे। पर हरीश, आपको क्या पता है? केला एक पवित्र फल है, जो प्रसाद में चढ़ता है। आई बड़ा केला लेने। We use the banana fiber. Wait, at least look and see what Lokesh and I are making in the factory. भगवती, हे भगवान, चीची। हे भगवान, ये क्या लाए मेरे लिए? छी, आपको नहीं मालूम हमारे गांव में मानते हैं अगर इस पर पांव भी पड़ जाए ना तो भगवान जी अंधा कर देते हैं। अंधा? हाँ, पर ऑस्ट्रेलिया में तो सब लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, तो कोई अंधा नहीं हुआ। विकी मैडम भी अंधी नहीं हुई, वो भी इस्तेमाल करती है। विकी मैडम? हाँ, वो विकी मैडम और मेरी वजह से ही आज शादी में कोई नहीं आया। मतलब? विकी मैडम ऑस्ट्रेलिया से आई है, हमारे गांव में फैक्ट्री डालना चाहती। विकी मैडम को मदद चाहिए थी और हमको पैसे चाहिए थे ताकि हम अपने दांतों का इलाज करवा के आपसे शादी कर सके। लेकिन ये हमारे गांव वाले फैक्ट्री डालने ही नहीं दे रहे। क्यों? अरे क्योंकि ये बनेगा फैक्ट्री में, ये गांव वाले अपना केला सड़ा लेंगे लेकिन इसके लिए नहीं देंगे। उनके लिए तो ये अपवित्र चीज है ना। इसमें केला है? केले का फाइबर है। हाँ। और इसको इस्तेमाल करने के बाद उसको फेंकने की जरूरत नहीं है। इससे खाद बनेगा जो किसान के लिए बहुत फायदेमंद है। विकी मैडम का प्लान बढ़िया था, वो तो गांव की औरतों को नौकरी भी देना चाहती थी। सब चौपट हो गया। नौकरी? हाँ, खुद के पैसे। गौरी जी, पहन के देखो ना। हाँ हाँ, अरे क्या तमाशा बना रखा है आपने? अम्मा,
आप लोग बोले कि लोकेश फर्टिलाइजर का फैक्ट्री चलवा रहा है, झूठ बोले थे। हमें नहीं पता था कि आप लोग इन तरीकों से पैसा बना रहे हैं। पता नहीं एक बायोडिजेबल सैनिटरी पैड से हरीश जी इतना क्यों डरते हैं। मेरा फेमिनिस्ट जगन्नाथ मुझे बहुत याद आ रहा था। ससुर जी, अम्मा, अरे तुम तो चुप ही रहो। पूरा खानदान ना शर्म बच खाया है। बाल बाल बच गई हमारी बच्ची। I'm so sorry, Lakesh. I had no idea you were facing all of this. Vicky ji, अब तो हम एक मिनट भी यहाँ नहीं रुकेंगे। एक मिनट। हाँ अंकल जी। भैया जो कुछ भी कर रहे हैं, वो अच्छे के लिए कर रहे हैं और अच्छा? हम किसके लिए? बताओ। किसके लिए अच्छा कर रहे हैं? गौरी, गौरी ने कपड़ा छोड़कर बायोडिजेबल पैड अपना लिया था। बाबूजी नहीं, चल बाबूजी दुख रहा है, छोड़। देख बेटा देख, यहाँ कोई शादी वादी नहीं हो रही है, हम लोग घर जा रहे हैं। और तुझे पता है ये लोग क्या कर रहे हैं? लेकिन 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 बाबूजी मुझे नहीं जाना, और मुझे सब पता है। क्या? चल आ आ बेटा। ससुर जी, ससुर जी, क्या? अरे घर तो उधर क्यों खड़े हो, घर इधर इधर खेल रहे हैं ना। अरे हमरे जीते जी शादी रुक नहीं सकती, हम होने नहीं देंगे। हमारी बहुरिया कहीं नहीं जाएगी, ये शादी नहीं रुकेगी। अरे आप क्या बोल रहे हैं? दिस इज गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। आई एम सॉरी लोकेश, बट दिस इज जस्ट टू रिस्की फॉर माय इन्वेस्टर्स। आई एम रियली सॉरी, आई डोंट वांट एनीवन टू गेट हर्ट बिकॉज़ ऑफ दिस फैक्ट्री। विक्की मैडम जी, इफ यू गो ड्रीम्स गो, सेक्स भी गो। लोकेश, आई हैव ऑलवेज अप्रिशिएटेड योर एंथुसियाज्म, बट आई एम सॉरी। बेकार में इतना तमाशा खड़ा कर रखा। अरे भाई औरतों को तकलीफ क्या है, सदियों से सब ठीक ही तो है। तकलीफ? हाँ। आपको क्या पता कि तकलीफ है या नहीं? अरे हम लड़कियों की पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती, हम खुद पैसे भी नहीं कमा सकते। सदियों से हम औरतें यही जीवन तो जीती आ रही है। हाँ। तकलीफ है हमें। मुन्नी का ताजा गोबर देखकर टीलू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शुक्र है मुन्नी को सिर्फ बदहजमी हुई थी, वो बदनाम नहीं थी। काफी समय लगेगा टीलू को ये समझने में कि एक स्त्री का आदर सिर्फ उसकी योनी में नहीं होता। हम उनकी मैडम को लेके आते हैं। मैं भी। गौरी बेटा, टुटकी, वापस आओ। क्या तमाशा है ये? अब काहे बोल रहे हो, जब बोलना था तब तो बोले ना ही। चल चुटकी। भैया मैं भी आया। ये बायोडिजेबल पैड्स और केलों की बहस में मैं भी भटक गई थी, पर अब मैं हरीश जी को बदले में मलेरिया देने के लिए बिल्कुल तैयार थी। लेकिन फिर उन्हें अकेला हारा हुआ देखकर मुझे सारा दृश्य दिखने लगा। दासन गांव की औरतों की तरक्की हरीश जी को दिल दिल मारेगी। ओ माफ कीजिए,
मैंने अपना परिचय तो दिया ही नहीं। मैं नारायणी जगन्नाथ की।